अंदर और झाड़ू नहीं लगाई क्योंकि बच्चा जो है वो सो रहा है। ये देखिए इसको हमने नेट डाल दी ऊपर से, जैसे मच्छर इसको काटे नहीं। नेट डालने के बाद ये सो रहा है अपने आराम से। और इसके साथ साथ जो है अभी हमने जो है ब्लेंडर उठाना है अपना। यहाँ पर रखा हुआ है ब्लेंडर, हमें ले लिया ब्लेंडर। इसके साथ साथ जो है मशीन भी लेनी है, ब्लेंडर की मशीन ले ली। दोनों चीज़ें नहीं उठा सकते तो पहले हम ब्लेंडर को रख कर आते हैं। सरसों का साग जो वो मैंने इसमें डाल दिया और ये देखिए सारा पानी जो इसका ये कड़वापन जो है वो सारा निकल गया है इसका। और अब इसको निचोड़ने के बाद ये देखिए हल्का सा निचोड़ेंगे तो ये कड़वा पानी है ये इसमें हम शामिल कर देंगे। और कुछ लोग जो होते हैं वो कड़वा पानी निकालते नहीं है जिसकी वजह से साग का टेस्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ये मैंने इस ब्लेंडर में डाला और ये मैंने अलग से ये मैंने ब्लेंडर कर लिया। ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, ये ऐसे ही होता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे क्योंकि मशीन जो है वो चलाएगी नहीं। ये हमने डाला थोड़ा सा पानी। पानी हमें लग रहा है थोड़ा सा कम। वो अम्मी अपने हाथों से बनाती है, यानी कि वो अपने हाथों से पकाती है क्योंकि अम्मी को हमारा बना हुआ साग अच्छा नहीं लगता। तो ये अम्मी का तरीका है। तो इसमें ये हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च कुटी हुई और किसी दोनों, और जो है लहसुन, हरी मिर्च और यह सरसों का साग। तो ये बन जाता है, फिर हम देखते हैं खाकर कैसा बनता है। सरसों का साग जो है वो अम्मी ने तैयार कर लिया। ये देखें थोड़े से हमने जो है पड़ोसियों को भिजवाया ताकि वो लोग भी टेस्ट करें, उनके यहाँ ये चीज़ें कम बनती हैं।